दोस्त, दबंगों की पहचान और माफियाओं की जान कहे जाने वाली गाड़ी स्कॉर्पियो है, जो अपने दमदार पावर और सॉलिड लुक के कारण लोगों के दिल पर राज कर रहा है, क्योंकि इसकी ऑफ रोडिंग माइलेज अच्छा होने के कारण लोग इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए आज हम इसके सभी गुप्त राज को खोलेंगे और ये दिखाएंगे कि आखिर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ साथ सुजू ट्रक और कार को भी फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है कार मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों कार एक फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली बैठकर सुरक्षित अपने मंजिल पर पहुंच जाती है, जिससे लोगों का समय बचने के साथ साथ काम भी आसान हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील सीट के बंडल को एक मशीन पर रखकर बंडल को ओपन करते हैं, फिर इसे छोटे छोटे पीस में कटिंग करके पंचिंग मशीन पर रखते हैं, जहाँ इस पर दबाव देकर कार के साइड वाले हिस्से का शेप दिया जाता है। फिर इस साइड वाले हिस्से को कार के निचले वाले हिस्से से अटैच करके वेल्डिंग किया जाता है, और इसमें डोर लगाकर कार को आगे भेजा जाता है। फिर इसके हर एक ज्वाइंट पर व्हाइट मटेरियल लगाकर सील करते हैं, ताकि पेंटिंग के दौरान उसमें पेंट ना जाए। फिर इसे पेंटिंग यूनिट में भेजकर इस पर व्हाइट कलर स्प्रे करते हैं, जिसमें एंटी रस्ट मटेरियल होता है, जिसे कार में लंबे समय तक जंग नहीं लगता। फिर इस पर ब्लू कलर लगाकर इसे लुकेबल बना लेते हैं। फिर कार के अंदर इंटरनल कवर लगाकर रूप को मजबूत बनाते हैं। अब इसमें फ्रंट ग्लास लगाकर बैक ग्लास को लगाते हैं, ताकि ड्राइवर की आंखों में डस्ट वगैरह ना जाए। अब बारी आती है इसमें इंजन असेंबलिंग की, जिसके लिए इंजन को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर कार के फ्रंट में फिट करते हैं, जिसमें रेडिएटर, एक्सल, इंजन, ऑयल फिल्टर, अल्टरनेटर और बैटरी वगैरह लगा होता है। फिर बैक व्हील के पूरे सिस्टम को लगाकर डैशबोर्ड को लगाते हैं, जिसमें स्टीयरिंग, मीटर, डिस्प्ले और एसी वगैरह लगा होता है। फिर इसमें बैक लाइट लगाकर कार के अंदर सीट को असेंबल करते हैं। अब इसमें व्हील लगाकर नट से टाइटली कसते हैं, जिसके मदद से कार आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। फिर कार के ऊपर कंपनी का लोगो लगाकर इसका स्पीड टेस्टिंग करते हैं, और उसी दौरान सीट बेल्ट को भी चेक करके कार में लगे कैमरे के क्वालिटी को भी देखते हैं। फिर डोर को भी ओपन क्लोज करके टेल गेट को भी ओपन करते हैं, जिससे इसके स्मूथनेस का पता चलता है, और इस तरह सारा टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद कार को तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पर आता है ब्लैक स्कॉर्पियो मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब से मिर्जापुर मूवी रिलीज हुई है, तब से ब्लैक स्कॉर्पियो की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि मूवी में जब कालीन भैया ब्लैक स्कॉर्पियो से उतरते हैं, तब लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। यही खौफ लोग अपने एरिया में बनाने के लिए ब्लैक स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, ताकि लड़कों के बीच रोला जमा सके। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील सीट को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर इसे मशीन में डालते हैं, जहाँ इसे ओपन करके छोटे छोटे पीस में कटिंग किया जाता है। फिर इन स्टील पीस को पंचिंग मशीन से दबाव देकर पीछे वाले गेट का शेप दिया जाता है। अब स्कॉर्पियो के बॉटम वाले पार्ट को कन्वेयर बेल्ट पर रख कर उस पर सभी छोटे छोटे पार्ट को वेल्डिंग करते हैं, जिसे स्कॉर्पियो का बेस बनकर तैयार हो जाता है। अब इस पर साइड पार्ट को लगाकर वेल्डिंग करते हैं और टॉप रूप असेंबल करके इसे कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। फिर स्कॉर्पियो के आगे वाले हिस्से यानी हुड को वेल्डिंग करके डोर वगैरह लगाते हैं। फिर इसे जिंक सॉल्यूशन में डालकर अच्छे से धुलते हैं, ताकि इसमें लंबे समय तक जंग ना लगे। अब इसके सभी ज्वाइंट पर सीलिंग मटेरियल लगाते हैं, ताकि ज्वाइंट में गैप ना दिखे। फिर इस पर लगे वाटर को कुछ इस तरह क्लीन करके ब्लैक कलर को लगाते हैं। अब ड्राइवर के फ्रंट में डैशबोर्ड लगाकर ग्लास को लगाते हैं। फिर साइड ग्लास को भी लगाकर सीट को असेंबल करते हैं, जिस पर सब लोग कंफर्टेबली बैठते हैं। अब इसके फ्रेम पर इंजन असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं।
फिर इसमें डैशबोर्ड लगाकर इंजन फ्रेम पर रखते हैं और पहिए को लगाकर बम्पर को लगाते हैं। अब स्कॉर्पियो के ब्रांड को चिपकाकर सभी छोटे बड़े पार्ट को लगाते हैं। अब फाइनली इसे शोरूम में भेजकर खातिरदारी करने के लिए छोड़ देते हैं। अब नंबर तीसरे पर आता है सुजू ट्रक मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों दमदार गाड़ी की बात की जाए तो ट्रक नंबर पहले पर आता है, जिसमें भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके चेसिस को बनाया जाता है, जिसके लिए आयरन फ्रेम को चेसिस के शेप में अरेंज करके वेल्डिंग किया जाता है। फिर इसे नट से टाइटली कस के इसे दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहां इस पर लीफ स्प्रिंग लगाकर एक्सल को लगाया जाता है। फिर इसमें एक और एक्सल लगाकर शाफ्ट को लगाते हैं। अब इसे उल्टा करके उसमें व्हील को लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर ट्रक की यानी इंजन को असेंबल करके एग्जॉस्ट पाइप को भी इंजन से कनेक्ट करते हैं और फाइनली चेसिस से फ्यूल टैंक लगाकर चेसिस को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है कैब को बनाने की, जिसे बनाने के लिए स्टील सीट को पंचिंग मशीन से दबाव देकर डोर का शेप देते हैं। अब इस पर लगे एक्स्ट्रा सीट को हटाकर फिनिशिंग करते हैं और सभी पार्ट को वेल्डिंग करके कैब सेल को तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है पेंटिंग की, जहाँ कैब पर व्हाइट कलर का स्प्रे करके उस पर फ्रंट ग्लास लगाते हैं ताकि ड्राइवर को आसानी से दिख सके। फिर डैशबोर्ड के सभी पार्ट को चेक करके कैब में असेंबल करते हैं और उसमें साइड डोर लगाकर कैब को दूसरे यूनिट में भेजा जाता है, जहां फ्रंट मिरर लगाकर नट से टाइटली कसा जाता है और इस पर सुजू कंपनी का ब्रांड चिपकाकर कैब को चेसिस के ऊपर रखते हैं और कैब के वायर को इंजन से अटैच करके कैब को सीधा करते हैं। अब इसमें बम्पर लगाकर फ्रंट पैनल के साथ ग्रिल को भी लगाते हैं। फिर एक ड्राइवर द्वारा इसे टेस्टिंग रूम में भेजकर इसे स्पीड को चेक किया जाता है। अब इसका वाइपर टेस्टिंग करके इसके सभी पार्ट के स्मूथनेस को चेक किया जाता है और इस तरह आपका ट्रक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपको इन तीनों फैक्ट्री में किस चीज का वीडियो सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।